आज हमें यहाँ पर आए हुए पूरा एक महीना हो गया है, कोई सवारी नहीं है, हम ही है। तो यहाँ आपको दिखाते हैं कि बस का पता कैसे लगता है। ये हो गया जी बाजार शुरू, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी। तो जी हमने ले ली है पानी की टंकी और ये बैग। ये मार्केट थर्सडे और सैटरडे को भी लगती है। फास्ट एंड फ्यूरियस वाले गाड़ी तरह से बढ़ा रहे हैं कि QR कोड के हिसाब से इस पेड़ की उम्र है 200 साल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है पंकज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8 बज गए हैं और आज तारीख है 23 मार्च। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मेरा खाली टैको आने को बाकी है। उसके बाद मेरा टैको कंपनी में अपडेट हो जाएगा और उसके बाद मैं गाड़ी में जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस बीच हमारा कुछ सामान लेने की तैयारी चल रही है। जो जो सामान हमें गाड़ी में लेके जाना है तो उसके लिए हम सब सामान परचेज कर रहे हैं, जो भी हमारी ज़रूरत रहेगी गाड़ी में। हम जा रहे हैं यहाँ के साथ वाली एक मार्केट में, एक ओपन बाज़ार लगता है, तो वहाँ पर प्राइसेस अच्छे होते हैं और सामान भी बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी हम रेडी हो गए हैं। तो हमारे रूम के नियर बाई बस स्टैंड से हमें बस मिलेगी वहाँ पर जाने के लिए। तो अब यहाँ से बस में जाएंगे और वापसी में अगर सामान ज़्यादा होगा तो हम अपनी टैक्सी लेके ही आएंगे, क्योंकि सामान उठाना फिर नहीं होगा हमसे। तो ये कुछ रूम के बाहर का नज़ारा और ठीक सामने है बस स्टॉप। इसी बस स्टॉप से हमें बस मिलेगी। ये बस स्टॉप एकदम हमारे घर के सामने ही है। पिछले 4-5 दिनों से मौसम ख़राब ही चल रहा था, हल्की बारिश और क्लाउडी मौसम। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि अगर यहाँ पर एक दिन धूप निकलती है तो दूसरे दिन बारिश हो ही जाती है। आने वाला सीज़न गर्मियों का है, तो गर्मियों में भी दिन में एक बार बारिश तो ज़रूर होती ही है। आज हमें यहाँ पर आए हुए पूरा एक महीना हो गया है। 22 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से और 23 तारीख को हम पहुँच गए थे शिवले में। तो आज पूरा एक महीना हो गया यहाँ पर। समय का बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कैसे एक महीना निकल गया हमारा, क्योंकि इस बीच में काफ़ी भाग दौड़ होती रही, हमारा डॉक्यूमेंटेशन और कुछ ट्रेनिंग भी चलती रही। तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि कब गुजर गया। एक दिन वो भी आएगा कि जब हम घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो होप सो कि ये सब समय बहुत अच्छे से बीते। तो ये आ गया जी बस स्टैंड। यहाँ पर अभी तो कोई सवारी नहीं है, हम ही हैं। तो यहाँ आपको दिखाते हैं कि बस का पता कैसे लगता है। तो हम जाएंगे 25 नंबर बस पे। तो अभी 9:41 पे अपनी बस आएगी, तो वो जाएगी सीधा, हमें उसी डायरेक्शन पे जाना है आगे। वहीं पर ओपन मार्केट लगती है, तो वहीं से कुछ सामान लेके आएंगे। अभी मेरे साथ मेजर भाई भी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि इनका नंबर भी कुछ दिनों में गाड़ी में पड़ने वाला है। इनकी कंपनी है गिरमिता और मेरी है गिर ट्रांस। हमारी ट्रांसपोर्ट जो है अलग अलग है, लेकिन जो मदर कंपनी है वो हमारी सबकी एक ही है। तो ये भी कुछ सामान की परचेजिंग करेंगे, शायद 1-2 दिनों में इनका भी निकलना हो सकता है। तो जी हम पहुंच गए हैं वो ओपन मार्केट में। हमारी बस आ गई थी तो वीडियो नहीं बना पाया, अभी हम पहुंच गए हैं वो मार्केट में। तो ये हमारे साथ वाले बंदे, ये यहाँ पे टायर की मार्केट और वो आगे है ओपन मार्केट बाज़ार, तो वहाँ जाएंगे हम अभी। तो यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हो, यहाँ के लोकल लोग भी बहुत यूज़ करते हैं इस मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर चीप रेट पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ये बाज़ार लगभग 3 किलोमीटर है हमारे रूम से, तो यहाँ पर कई बार हम पैदल भी आ जाते हैं, लेकिन अभी आज सामान ज़्यादा होगा तो बस में आए ताकि हम ज़्यादा थक ना जाए। ये हो गया जी बाज़ार शुरू, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पर सेल के लिए खड़े हैं और ये दूसरे सामान। तो हम सबसे पहले देखेंगे पानी की ये टंकियाँ और सिलेंडर, ये मोबाइल एक्सेसरी की दुकान और कपड़े, शूज़। ये देखिए ये मार्केट पूरी कपड़ों की है। हमें यहाँ से सबसे पहले खरीदना है गैस सिलेंडर और उसके साथ का सामान। एक बड़ा बैग लेना है अपने, जिसमें हम अपना राशन या दूसरे सामान भर सकें, और एक पानी की टंकी। तो ये सब जरूरतें सबसे पहले हैं, और बाकी खाने पीने का सामान तो हम बाद में अपने नियर बाय मैक्सिमा या लीडल से लेंगे। गाड़ी पे हमें टैबलेट की भी ज़रूरत रहेगी, तो यहाँ पर कुछ टैबलेट, फ़ोन एक्सेसरी, फोन्स और दूसरे सामान जैसे मोबाइल स्टैंड, टैबलेट स्टैंड भी मिलेगा। तो इसकी ज़रूरत भी हमें रहेगी, क्योंकि हमारा जो मैप है, मैप की जो कंपनी की ऐप होती है वो भी इसी टैब पे चलेगी। तो देखते हैं अगर प्राइस सही रहा तो
अपना एक टैब भी खरीद के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जी हमने ले लिया है कैरी बैग बड़े वाला, तो ये सबसे मजबूत है 15 यूरो का। तो आप 15 यूरो का देख सकते हैं इंडिया में कितना हो गया 90 के हिसाब से। तो भाई साहब सामान तो है महंगे भी यहाँ पर। तो यहाँ से बैग ले रहे हैं और साथ में देखेंगे सिलेंडर, क्योंकि हमारे कुछ भाई यहीं से पहले सिलेंडर ले गए थे। तो अभी पहले बैग देखते हैं और बैग के बाद सिलेंडर। सिलेंडर लगभग सबका रेट सेम ही है, 50 रुपये 60 यूरो नहीं यूरो, और बैग है 15 यूरो का। तो इसमें डिस्काउंट नहीं है, ये यहाँ की एक दिक्कत है कि ये बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जी हमने ले ली है पानी की टंकी और ये बैग। तो एक टंकी और एक बैग हमें पड़ा है 25 यूरो का। तो बाकी सामान अभी बाकी है, सिलेंडर और दूसरे छोटे सामान। जब यहाँ पे सामान लेते हैं तो भाई इंडिया की याद आती है, इस हिसाब से इंडिया में सामान बहुत सस्ते होते हैं। अब बात करें इन दो चीज़ों की तो 25 यूरो का कितना बन जाता है आप 90 के हिसाब से देख लीजिए, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। अपने यहाँ तो ये 200-300 की पानी की टंकी मिल जाएगी और ये बैग भी कितने का, 200-300 का ये बैग मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सामान तो है बहुत महंगे। ये मार्केट है जी पूरी साइकिल, इलेक्ट्रिकल साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की। ये देखिए पूरा बाजार दूर दूर तक इसी का भरा पड़ा है। तो जी सामान तो लेना है बहुत यहाँ पर यहाँ पर रेट्स इनके हर जगह अलग हैं। फिर भाई को चाहिए रजाई और रजाई के लिए कर रहे हैं अभी यहाँ पे बार्गेनिंग। दीदी के साथ सेटिंग करने के बाद ये रजाई पड़ी है हमें 15 यूरो की। तो ये भाई साहब ने ले ली है रजाई 15 यूरो की, बढ़िया रह गया यार। और चलो कुछ तो सामान ले रहे हैं हम, कुछ तो आने का यहाँ पर फायदा हुआ। ये मार्केट थर्सडे और सैटरडे को ही लगती है, ये मार्केट रोज ओपन नहीं होती, तो तभी यहाँ पर रश ज्यादा होता है क्योंकि स्पेसिफिक डेज पे ये मार्केट लगती है। यहाँ पर मिल गए हैं हमारे पंजाबी भाई, ये सारे गाड़ी में जाने वाले हैं और सारे अपने अपने सामान की परचेजिंग में लगे हैं। तो सबसे चीप मार्केट यही है, तो सबको सामान की यहीं से ही जरूरत पूरी होगी सबके सामान की। तो जी सिलेंडर तो नहीं लिया, लेकिन सिलेंडर को भरने के लिए हमने ये ले लिया है, क्योंकि जब भी सिलेंडर को रिफिल करना होता है तो ये बहुत जरूरी होता है, ये मोस्टली नहीं मिलता है कहीं भी, तो हमने ये ले लिया है। बाकी सिलेंडर का देखते हैं, यहाँ पे रेट तो नहीं बना, तो इससे अच्छा है कि हम सिलेंडर अपना लेंगे पेट्रोल स्टेशन से, नया भी है और उसकी गारंटी भी होती है। ये कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट की मार्केट है जी, ये मैडम ने लगाई है यहाँ पे शॉप। तो ये इनके ऑर्गेनिक है, मतलब खुद के तैयार किए हुए अखरोट है, हेजलनट और फ्रूट्स हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऐसी भी यहाँ पे मार्केट लगती है और कुछ सब्जियाँ भी रखी हैं, तो ये सब इनका अपने खेतों से तैयार किया हुआ सामान होता है। यहाँ से जो सामान लेना था हमने फिलहाल ले लिया है और अब जा रहे हैं हम मीरी मार्केट में। तो वहाँ पर भी कुछ सेल लगी होती है सैटरडे को, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, बाकी का सामान है वहाँ से लेते हैं। और ये 2-3 दिन अभी सामान को खरीदने का ही रहेगा, अपना सामान क्लोज कर लेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि गाड़ी में कब नंबर पड़ जाएगा, जैसे हमें मैसेज आएगा तो एकदम गाड़ी में मूव होना पड़ेगा। मेरी ट्रांसपोर्ट अलग है, तो इसमें इंडियन या पंजाबी ड्राइवर इनके ही 2-3 हैं, तो उनके साथ तो मेरा नंबर नहीं पड़ेगा। जहाँ तक बात है तो मेरा नंबर यूक्रेन, रशियन या किसी दूसरे ड्राइवर के साथ ही पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो बाकी का सामान मेरा उस हिसाब से आएगा, क्योंकि उनके साथ खाना बनाने की दिक्कत हो ही जाएगी, वो लोग मसाले और ये दूसरे चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं, तो खाना भी अपना उसी हिसाब का रखना पड़ेगा जो रेडी टू यूज़ हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी किचन का सामान लेके ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा और बनाने की भी दिक्कत होगी। तो जैसा ड्राइवर साथ में होगा तो उसी हिसाब का खाना भी अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मसाले तेल का कम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर बॉयल्ड खाना ही खाते हैं, तो अपना खाना भी उसी हिसाब का रहेगा कि ज़्यादातर ब्रेड, एग्स और रेडी टू यूज़ सामान ही रखना पड़ेगा अपने साथ। तो ये 2 महीने जो ट्रेनिंग के होंगे ये फिलहाल तो ऐसे ही काटने पड़ेंगे, बाकी देखते हैं, आदमी अच्छा मिला तो अपना खाना भी बीच में बनता ही रहेगा। तो जी ठीक सामने है वो मार्केट और ये अपना बस स्टॉप, तो यहाँ से मिलेगी अभी हमें बस और यहाँ से जाएंगे मीरी तक बस में। और अपने जवानों ने डिसाइड किया कि यहाँ से मीरी तक जाएंगे पैदल ही, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मीरी तक का। तो बाकी और पंजाबी भाई भी हमारे साथ हैं, ये रास्ता सीधा वैसे हमारे रूम के लिए ही जाता है, लेकिन मीरी एक अलग डायरेक्शन में है, तो वहाँ से हम अपना टर्न ले लेंगे।
गाड़ी में जाने के लिए लगभग 200-300 यूरो का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि इतने का सामान आ ही जाएगा। 100 रुपये में तो केवल सिलेंडर, बैग और ये पानी की टंकी ही आ गई, लेकिन अभी अपनी ग्रॉसरी और दूसरी चीज़ें बाकी हैं, अपना साथ में ले जाने वाला राशन जो भी रहेगा और कुछ और भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, तो ये सामान लगभग 200 यूरो का आ जाएगा। तो 300 यूरो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, बट जैसे ही अर्निंग शुरू हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उस मार्केट से मेरी का सफ़र है 2 किलोमीटर, तो लगभग हम 1.5 किलोमीटर आ गए हैं और आधा किलोमीटर अभी और बाकी चलने को है। तो हमारा सामान सारा हम साथ में ही उठा कर लेकर आ गए हैं। बस मिल रही थी लेकिन बस घूम घूम के आई, और हम आदमी भी काफ़ी हैं तो अपना सामान हमने खुद ही उठा लिया। अब यहाँ से अपना बाकी का सामान कुछ लेकर निकलेंगे सीधा रूम पर, खाना तैयार करेंगे और उसके बाद निकलेंगे शाम को दूसरी मार्केट में। जैसे मैंने बताया कि ये 2-3 दिन सामान को इकट्ठा करने में ही निकल जाएंगे, क्योंकि सोमवार को या उसके बाद जैसे ही फ़ोन आएगा तो गाड़ी में निकलना पड़ेगा। तो जी सामने आ गई है मीरी मार्केट। 2 किलोमीटर चलने के लिए बहुत होता है। हमने सुबह आज कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है तो अभी भूख भी लग रखी है। ये है जी मीरी, तो यहाँ पर भी होलसेल आउटलेट है, यहाँ से अपना सामान कुछ मिल जाएगा होलसेल रेट पे। जी मेरी मार्केट ये पूरा होलसेल मार्केट है, तो यहाँ से अपनी रोटियाँ और दालें, तेल, कुछ ऐसे सामान मिलेंगे तो वो सब यहाँ से लेके जाएंगे आज हम, और बाकी जो सामान रहेगा फिर से आना पड़ेगा। मेरी से सामान ले लिया है और अपना सामान हमने इसमें अभी फ़िलहाल डाल दिया है। हम सब ने रोटियों के पैकेट, कुछ दालें, मसाले और कुछ सामान ले लिए हैं जो यूज़ होने वाले हैं। अभी हमने यहाँ से बोल्ट टैक्सी बुक करी है तो टैक्सी का वेट कर रहे हैं, और सभी को लग रखी है बहुत ज़्यादा भूख, और इसी इंसान को ज़्यादा ही भूख लग रखी है तो हम कर रहे हैं। हाँ, ये भाई साहब का पेट भी सच में बहुत बड़ा है जी, तो अभी रूम में जाके फटाफट खाना तैयार करेंगे अपना और जाएंगे फिर नेक्स्ट मार्केट पर। ये आ गई है जी अपनी टैक्सी, तो इसमें सामान रखते हैं फटाफट अपना और इसमें निकलेंगे रूम। हमने बड़ी टैक्सी करी है क्योंकि सामान की दिक्कत होती है हमेशा ही, तो इसलिए बड़ी टैक्सी करी है। हाय वाह, मैं तो खींचे गए हूँ मड़ा। बाकी अंदर रख लो कुछ, वो इधर ही आ जाना। हो गई है जी सामान की सेटिंग और निकलते हैं अब रूम। ये है जी यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन, और रेट्स आपने देख ही लिए होंगे कि क्या कंपेयर करके इंडिया में रेट हैं। और यहाँ पे हमारे साथ हैं चाचा फास्ट एंड फ्यूरियस वाले, गाड़ी तो ऐसे भगा रहे हैं कि अरे वाह। सर कैमरा लगा रखा है यहाँ पे, पूरी चल रही है वीडियोग्राफी। तो हमारी जनता बैठ गई है चुपचाप, मेजर भाई है जिसके मुंह में स्माइल है, ऑलवेज रॉकिंग। तो आ गए हैं जी अपने घर में, दोपहर के 2 बज गए हैं, तो पहुंच गई है जी अपनी बारात रूम में अपना सामान लेके। तो जी ट्रिप पे जाने का सामान तो हम लेके आए, लेकिन अभी रूम में खाने के लिए कुछ नहीं लेके आए। अभी मैं जा रहा हूँ सामने कुबास पे, वहाँ से लेके आऊँगा दही, तो दही को लगाते हैं तड़का और बनाते हैं अपना पहाड़ी रेडू। दही को लगाएंगे ठंडा तड़का और उसके साथ रोटियाँ खा के लंच हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो वो सामने है जी कुबास, यहाँ से लेके आएंगे दही और साथ में दूध की बॉटल। जी तैयार है अपना रेडू और गर्मा गर्म रोटियाँ, अभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं अगली कार्रवाई क्या होगी, कहाँ जाना है और कहाँ से क्या सामान लाना है, तो आपको मिलते हैं उसके बाद। रूम में खाना पीना हो गया है और फिर से हमारी टीम हो गई है बाहर जाने के लिए तैयार। तो अभी हमारे गेस्ट आए थे पाजी, ये भी कुराली से हैं, ये भी हमारे साथ ही है और इनकी ट्रांसपोर्ट अलग है KLP, तो सोमवार तक इनका भी जाना हो ही जाएगा, इनकी तैयारियाँ हो चुकी है। तो बाकी अपनी गैंग तैयार हो गई है, तो यहाँ से जा रहे हैं अभी फिलहाल बैंक, और बैंक के बाद जाएंगे मार्केट, जो भी अपना सामान रहेगा वहाँ से परचेज करके आएंगे रूम और बनाएंगे रात का खाना। सुबह जब हम मार्केट में गए थे तो मौसम बहुत बढ़िया था, धूप लग रखी थी बढ़िया से, लेकिन अब आप देख सकते हो
मौसम हो गया है ख़राब। यहाँ पर अभी गर्मी का तो कोई नामो निशान नहीं है, जैसे अपने इंडिया में या मेरे घर पे स्प्रिंग सीजन आ गया है, पेड़ों पे फूल आना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैकेट और गर्म कपड़ों के बिना आप बाहर निकल ही नहीं सकते। यहाँ पर सामान लेंगे बाद में अपने रूम के लिए कुछ खाने पीने का। अभी हम जा रहे हैं सीधा वो स्ट्रीट पर, तो आगे ही है अपना स्ट्रीट बैंक, वहाँ पर कुछ पेमेंट करवानी है। और साथ में यहाँ आगे एक दुकान है कपड़ों की, तो वहाँ पर कुछ कपड़े भी देख लेंगे। अगर कुछ ऑफर अच्छा लग रखा होगा तो साथ में कपड़े ले लेंगे गर्मी वाले। आज शनिवार है तो आप देख सकते हो मार्केट पूरी खाली पड़ी है, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पे होता है वीकेंड, तो लोग ज़्यादातर अपने काम में बिजी होते हैं, काम जस्ट लाइक अपना वीकेंड बनाने में। जैसे ही सोमवार को ऑफिस खुलेगा तो सारी चहलकदमी फिर से शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया है और जहाँ तक मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि ये लोग हफ्ते के 5 दिन पूरा काम करते हैं और 2 दिन होते हैं इनकी मौज मस्ती के लिए, उस टाइम पे ये खाली बार पब में ही मिलेंगे। ये है जी स्वीट बैंक, और इसका एक और लैंडमार्क है कि ये इस चर्च के बिल्कुल सामने है, तो इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस भी भाई को अगर आना हो स्वीट बैंक, जिसको पता नहीं लग रहा हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन डाल दूंगा, तो भाई आप आराम से आ सकते हो। तो बैंक में अपना काम हो गया है। एक्चुअली हमें कार्ड में कुछ पैसे डलवाने थे, एटीएम में पैसे डिपॉजिट किए कि हमने वहाँ पे सामान लिया था, तो पैसे कार्ड में नहीं थे, वो सारा हमारे पास कैश ही था। और अभी हमें कुछ रिचार्ज भी करवाने हैं। हमने सिम ले ली है यूक्रेन की, पहले जब हम आए थे यहाँ पे तो हमने यहाँ की लोकल सिम ली थी, लेकिन अब हमें जाना है इंटरनेशनली, तो पता लगा है कि यूक्रेन की सिम में अच्छा डाटा और नेटवर्क कवरेज भी बढ़िया मिलती है, तो हमने एक एक यूक्रेनी सिम ले ली है, जो हमें पड़ी 25 यूरो की, और उसमें 6-6 यूरो के 2 रिचार्ज करवाने हैं एक्टिवेशन के लिए, तो 31-32 यूरो की हमें वो सिम पड़ गई है। पुराने बंदों से पता चला है कि वो सिम अच्छी होती है, उसमें एक तो कम पैसों में 6 या 7 यूरो में 30 GB डाटा मिल जाता है, और इंटरनेशनली वो अच्छा है। अगर हम यहाँ की लोकल सिम लेंगे तो उसमें इंटरनेशनली इतना ज़्यादा डाटा नहीं मिलता है, तो उस सिम में भी रिचार्ज करवाना है बाद में, तो उसके लिए एटीएम में पैसे डलवा दिए अभी। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं हुमाना, तो वहाँ पे कुछ सामान लेना है, वो लोकेशन थोड़ी दूर की है, तो डिसाइड किया कि पहले वहाँ से अपना सामान लेके आ जाते हैं, और बाकी जो भी खाने पीने का है वो रिमी से ले जाएंगे। तो अपने बंदे आगे निकल गए हैं। ये आ गई जी शिवले शहर की आइकॉनिक स्ट्रीट। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये स्ट्रीट इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, और इसमें गाड़ियों की नो एंट्री है। ये पूरा सेटअप बार, रेस्टोरेंट और ब्रांडेड आउटलेट्स की है, इसमें पब पार्टी वगैरह भी चलती है, जैसे फ्राइडे नाइट को, सैटरडे नाइट को। और इसमें कुछ एंटिक चीज़ें भी रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये उनकी कुछ चित्रकारियाँ, कलाकारियाँ बना के रखी हैं। इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है, जो भी इनकी डिटेल है, जो ये इंस्ट्रूमेंट रखे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसी ही ये स्ट्रीट पूरी आइकॉनिक है, इसमें बहुत से कलेक्शन है इन लोगों की। आगे वो एक दीवार जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी रखे हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और एक वो जूतों वाला पेड़ बहुत अच्छी है, जस्ट लाइक मॉल रोड, जैसे शिमला में मॉल रोड है, मनाली में मॉल रोड है, तो वैसा ही कुछ सेटअप इधर का भी है। तो जी मार्केट के बीचों बीच है ये एक पेड़ का नहीं पता, लेकिन इसकी जो यहाँ पे डिटेल डाली है, इसका ये QR कोड भी लगा है, तो QR कोड के हिसाब से इस पेड़ की उम्र है 200 साल। तो यार ये चीज़ भी अपने आप में बहुत यूनिक है। आप पेड़ का आकार देखिए, बहुत बड़ा, ज़बरदस्त। तो ये 200 साल पुराना पेड़ है, और ठीक सामने है इसके वही जूतों वाला पेड़, और इसके बगल में ही एक स्ट्रीट में देखिए क्या ज़बरदस्त सेटअप किया है। ये आप जो व्हाइट देख रहे हैं, ये चिड़ियों के लिए घोंसले इन्होंने सेटअप करा है, हर पेड़ में 2-4 घोंसले लगा रखे हैं। तो यार ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे चिड़ियाओं के लिए बने बनाए घर हो जाते हैं, और
जो आज की डेट में छोटी चिड़िया जैसे विलुप्त हो रही है, तो उनको सुरक्षित करने का भी एक बेस्ट तरीका है। ये आ गए जी अपने जूतों वाले बाबा के पास। जय बाबे दी। आज पूरा देखिए पूरा मैदान खाली है। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो यहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी फोटो खींचने वाले थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। और इस बार लग रहा है कि जूते बढ़ गए हैं थोड़े पेड़ पे, पिछली बार इतने जूते नहीं थे शायद। तो जी सारा दिन की भाग दौड़ के बाद और सामान लेने के बाद अभी थक गए हैं और पहुंच गए हैं अपने रूम के पास। आज सफ़र इतना ज़्यादा किया कि शरीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर हम पैदल ही चले हैं आज दिन भर में। तो हमारे मेजर भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ में, क्योंकि टांगों में हो रखी है दर्द बहुत ज़्यादा। तो हम तो ना तो कुछ खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है कि सीधा सो जाएं और बॉडी को रेस्ट मिले। बट हमारे आज आ रहे हैं रूम पे 2 गेस्ट, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। वो 2 भाई आ रहे हैं इंडिया से, तो रात को 8-9 बजे तक शायद वो रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, तो वहाँ से उनको पिक करके रूम लाना है और उनका खाना भी बनाना है। तो देखते हैं, अभी कुछ सामान लेके आए हैं, सब्जी और रोटियाँ बनाएंगे। रात को जब उनका फ़ोन आएगा तो उनको लेने जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो लगता है अगले हफ्ते तक हम गाड़ी में भी चले जाएंगे, तो पूरा यूरोप घूमने को मिल जाएगा। तो और नई नई वीडियो आती रहेंगी, तो बने रहिए चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।